थिंकिंग के ही एक अगले पड़ाव में आ गए हैं। यह डिमांड पर आधारित माइंड मैपिंग है। आज हम बताएंगे कि माइंड मैपिंग अगर आप बना रहे हैं तो सीजन पर बना रहे हैं। इसको सीजन पर अब ध्यान ये देना है, किसी भी माइंड मैपिंग को बनाते समय आप किसी भी रिस्ट्रिक्शन में पड़ना मत। सिर्फ अपने विवेक का इस्तेमाल करो, बिंदास होकर लिखो और बढ़िया सा नंबर पा जाओ। अब पहले देखिए मेन मुद्दा क्या है, हमारा सेंटर है सीजन। अब सीजन के बारे में हमें बताना है, सीजन कितने होते हैं, चार आपके सीजन बताए गए हैं, तो चारों का नाम हम यहां लिख देते हैं। अब यहां शुरू करेंगे, देखिए फॉल, पतझड़, दूसरे में स्प्रिंग, तीसरे में समर और चौथे में विंटर, ठीक है। अब अगर आपको सिर्फ सीजन की बात की जाती है या आपके ऑप्शन में सिर्फ नाम दिए जाते भरने को, तो भर लो आपका माइंड मैपिंग पूरा। लेकिन और आगे अगर आपको बढ़ना है, और भी आगे, जरा देखिए अभी यहां पर समर सीजन में, अब समर सीजन में आप दिखा सकते हैं मंथ्स, कौन कौन महीने को हम समर सीजन में लिखेंगे। यहां पर लिखिए, यहां पर और यहां पर, महीना हो गया, महीने का नाम ध्यान रखना, हिंदी महीने का नाम नहीं लिखेंगे, आप इंग्लिश महीने का नाम लिखेंगे। महीने में कौन कौन से महीने को हम रखते हैं गर्मी में, समर में। अब फिर अगला है क्लॉथ, कौन कौन से कपड़े पहने जाते हैं या पहनने पसंद किए जाते हैं, आप यहां लिखिए। लाइट क्लॉथ है, कॉटन है, व्हाइट है, बराबर, ऐसे कपड़े यहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है। भारी भरकम कपड़े आप पहनते नहीं है गर्मी के समय में, हल्के कपड़े पहनते हैं जिसमें हवा आसपास होती हो, जिसमें सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता हो, माने काले कपड़े नहीं पहनते हैं, नीले कपड़े नहीं पहनते हैं, गहरे कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं, तो कौन पहनते हैं आप यहां पर बनाइए और सिर्फ उतना लिखिए जितना आपको आता है, मेरा वाला मत लिखिए, ठीक है। जितनी चीजें आपको यहां पर आती हैं उतनी चीजें यहां डाल दीजिए, कपड़े का हो गया। फिर अगला समर में टेम्परेचर कैसा होता है, ठीक है, कितना होता है आप बता दीजिए, कभी कभी 35 के ऊपर होता है, कभी कभी 40-45 के ऊपर जाता है, ठीक है, कुछ प्रदेशों में। फिर फूड, कौन से भोजन हमें लेने चाहिए, अब हल्का फूड है, लाइट फूड है, भारी भरकम फूड हम नहीं लेंगे, तेल मसाले का नहीं लेंगे, बराबर है, ऐसे खाने लेते हैं जो आसानी से पच जाएं, हमारे लिए सुपाच्य हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, ऐसे खाने डाल दीजिए। अब ये खाने अपने मन से लिख सकते हैं, अगर आता है नहीं ध्यान देना, आपके ऑप्शन में दिया जाएगा वो खाने को भरने के, वहां भर दीजिए या आपके पैराग्राफ में दिया जाएगा, ठीक है। अगला है गुड फॉर, गर्मी का समय अच्छा किस लिए होता है, अगर आपके पास आइडिया है तो लिखिए, ऑप्शन में दिया गया है तो लिखिए, पैराग्राफ में दिया गया तो लिखिए, छोड़िए ना इसको, ठीक है, कंपल्सन कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया आपके समर सीजन के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं विंटर में, गर्मी में, सबसे विंटर सर्दी में, ठंडी के महीने कौन कौन से महीने, कौन कौन से महीने ठंडी के अंतर्गत माने जाते हैं, आप यहां दिखा दीजिए। खाना कौन कौन से प्रकार का लेंगे, अब यहाँ एक नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, क्लॉथ कौन कौन सा है, कपड़े किस कलर के पहनते हैं, और यहाँ पर सराउंडिंग्स कैसा होता, आसपास का वातावरण कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, हवा कैसी होती है, नमी कैसी होती है, एनवायरमेंट कैसा होता है, ये चीजें कब लिखेंगे, या तो आप अपने मन लिखना चाहते हैं आता है तो लिखिए, या तो आपके ऑप्शन में दिया गया है तो लिखिए, या फिर आपके पैराग्राफ में दिया गया है तो लिखिए, नहीं फिर मत लिखिए ना, ठीक है। आइए हम देते हैं फॉल में, पतझड़ में क्या क्या होता है, कौन कौन से महीने को पतझड़ में रखा गया है वो महीने नाम लिखिए, उसमें कौन कौन से फूल आप देखते हैं, और पौधों में क्या क्या होता है, उनकी पत्तियां गिर जाती है, पीली पड़ जाती है, तमाम बातें होती है। फिर आगे अगला स्प्रिंग, बसंत में क्या होता है, बसंत की ऋतु में आसपास का सराउंडिंग कैसा होता है, माहौल कैसा होता है, एनवायरमेंट कैसा होता है, आप यहां पर डालेंगे। और ये गुड फॉर किसके लिए अच्छा होता है, किसके लिए नुकसानदायक होता है, ये सारी बातें दिखा सकते हैं। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, ये तो मैंने पूरे सीजन बता दिया, लेकिन कभी कभी आपको आ जाता है सिर्फ समर का, गर्मी के महीने का, तो सिर्फ आप गर्मी का लिखिए ना, इतना हो गया आपका माइंड मैपिंग। फिर कभी विंटर का आ जाए, माने किसी यहाँ पर चार सीजन जो लिखे गए बताए गए हैं, किसी एक का सेपरेट आ जाए तो भी आप कर सकते हैं, और पूरे होल सीजन आ जाए
तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, अब इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही दो तीन माइंड मैपिंग का एग्जांपल लेकर आप अपने मन करके देख लीजिए, या अगर माइंड मैपिंग क्वेश्चन आप नहीं मिलता है, क्वेश्चन सेट में मिलेगा, या फिर आपने टेक्स्ट बुक से हिंदी मराठी इंग्लिश संस्कृत किसी टेक्स्ट बुक से एक ऐसा लेसन चूज कीजिए जिसमें इन सब चीजों को दिखाना होता है, दिखाकर आप आसानी से बना कर देख सकते हैं, आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। फिर देखना क्या नंबर आपका।